हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बालमल लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड में आई वैकेंसी के बारे में। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो। आइए एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल है और क्या रिक्रूटमेंट है, क्वालिफिकेशन है, क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, मोड ऑफ अप्लीकेशन और आपके एग्जाम सेंटर होंगे या डायरेक्ट इंटरव्यू, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ग्रेड ए के लिए वैकेंसीज आई हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें आपके लिए जहाँ तक मुझे लगता है असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। E1 E2 की यहाँ पे ग्रेड बताई गई है, 40,000 to 1,40,000, 50 to 1,60,000 यहाँ पे ग्रेड जो है आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 19 है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पे 6 है और जो वैकेंसीज है SC ST OBC के लिए आई हुई है। तो अगर आप कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हैं तो ही आगे यहाँ पे अप्लाई करिए। जो क्वालिफिकेशन है वो उसकी बात करें अगर, तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए जो है CA CMA एंड CS क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इससे रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है, क्या चाहिए, आगे मैं चल के बताने वाला हूँ। बट यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे जनरल के लिए कोई पोस्ट या वैकेंसीज नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें जो टेबल 2 में बताया गया है, मिनिमम एज, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो E1 के लिए जो OBC NCL है उनके 30 ईयर्स, जो SC ST है 32 ईयर्स, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है मिनिमम 1 ईयर मांगा गया है आपके लिए, जो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं क्राइटेरिया को मैच करते हैं। और E2 के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें OBC के लिए 35 ईयर और SC ST के लिए 37 ईयर मांगा गया है। बाकी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जो आपका कट ऑफ डेट मांगा गया है, कट ऑफ डेट यानी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड मिनिमम एज क्राइटेरिया है, आपको जो मीट करना चाहिए मार्च 2020 को मीट करना चाहिए। खास बात यहाँ पे है कि बाइफर्केशन नहीं दिया गया है कि फाइनेंस अकाउंट्स के लिए कितनी पोस्ट, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो वो बाद में डिसाइड होगा। उसके बाद यहाँ पे टेबल 3 में आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया है, E1 E2 सबके लिए क्या क्या वर्क प्रोफाइल मिलेगी आपको। ऑनलाइन अप्लीकेशन की बात करें तो जो आपका है यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग डेट है 12 फरवरी 2020 टू 9 मार्च 2020, रात के 12 बजे तक आप 9 मार्च को फिल कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन मोड है आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है और लिंक जो है आपको बालमल लॉरी की साइट पे मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनसेशन जो बेसिक है फिर से बताया गया है, E1 के लिए 40,000 बेसिक स्टार्टिंग है और E2 के लिए 50,000 इनिशियल है। ये जो बेसिक होता है इसके अलावा आपको इसमें DA HRA अदर पर्क्स अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इनकैशमेंट, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो इनिशियली अगर आप E1 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 11 लाख का पैकेज आपको मिलने वाला है। E2 पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो 14 लाख का पैकेज आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये पूरी वैकेंसी की डिटेल थी। अदर टर्म्स कंडीशन की अगर यहाँ पे बात करें तो आप पढ़ लेंगे। जो मेन यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, जैसे आप लोग पूछते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड और इट्स जॉइंट वेंचर, जो भी होंगे जहाँ भी पोस्ट अप्लीकेबल हैं, खाली हैं, वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। इम्पॉर्टेंट टर्म्स कंडीशन में अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ पे, तो ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु फाउंड एलिजिबल बेस्ड ऑन द डिटेल गिवेन ऑन अप्लीकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट एंड पर्सनल और इंटरव्यू। सो यहाँ पे दोनों चीज़ें बताई गई हैं। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा आते हैं तो आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है। तो रिटन टेस्ट कहाँ होगा उसके चीज़ें नहीं बताई गई हैं। हो सकता है जब आपको बताया जाएगा तो ऑप्शन मिल जाएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर के चॉइस में, जो हो सकता है मेजर सिटीज़ में हो, या फिर जो इसकी कॉरपोरेट ऑफिस है वो कोलकाता में है तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। बट पर्सनल इंटरव्यू होगा तो आई थिंक कोलकाता में ही बुलाया जाएगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे बाई मेल बाई मैसेज आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल है, आई थिंक सिलेबस सब कुछ आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बताएगा दो पार्ट लिस्ट, जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। और जो आपको सर्टिफिकेट ले जाना है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, एजुकेशनल आपको क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, सर्विस सर्टिफिकेट, लास्ट सैलरी ड्रॉन, कॉपी ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी जो भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारी आपको लेकर जानी है। नेक्स्ट टाइम पे बात करें तो आपको टू एंड फ्रॉम का मिल जाएगा, जो कोलकाता में है मुझे ही लगता है इंटरव्यू होगा सिर्फ, और यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये जॉब आपको अच्छी लगी हो, जो भी इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो वो जरूर अप्लाई करें या फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें जो भी इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। पे जनरल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, अदरवाइज अच्छे अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी अगर इसमें आ जाते हैं तो। बट ये मुझे लगता है बैकलॉग की पोस्टें भरी जा रही हैं, जो लास्ट टाइम आई थी ये वैकेंसी उसमें ये फुलफिल नहीं हो पाई थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करते रहें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए
चैनल से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।